इंडिया के हर शहर में ना एक ऐसे टिक्की वाले भैया होते हैं जिनकी आलू टिक्की बहुत ज़्यादा फेमस होती है, क्योंकि क्रिस्पी होती है, चटकारेदार, चटपटी सी, स्पाइसी होती है। तो अगर इस लॉकडाउन में आप वैसे टिक्की खाना मिस कर रहे हो तो आज मैं आपके साथ वैसी ही एक टिक्की की रेसिपी शेयर करूँगा। एकदम क्रिस्पी होगी और स्ट्रीट फूड वाला टच होगा उसमें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। स्वागत है आपका यशस्वीज किचन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आलू टिक्की की फिलिंग बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक कटोरी चने की दाल ली है। इसे सबसे पहले हमें धो लेना है साफ पानी से, और इसके बाद इसे हमें एक कुकर में डालना है और पकाना है। अगर आपने चने की दाल को भिगो के रखा है लगभग आधे घंटे के लिए, तो इसके लिए आप सिर्फ 2 सीटी लगाएं और दाल एकदम रेडी हो जाएगी। अगर धोकर नहीं रखा है, मतलब भिगो कर नहीं रखा है, तो आपको 3 सीटी लगानी पड़ेगी। तो मैंने इसमें ज़रा सा नमक डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला, ज़रा सा नमक, और पानी डालकर कुकर बंद करके इसको गैस पे चढ़ा दिया है। 2-3 सीटी लगाऊंगा मैं यहाँ पर, और 3 सीटी लगाने के बाद मैंने गैस नहीं निकाली थी, हवा नहीं निकाली थी, जो हवा जो है अपने आप इसकी निकली है, और आप देख सकते हो दाल बिल्कुल पककर तैयार है। और दाल के जो दाने हैं वो एकदम अलग अलग हैं, खिले हुए बने हैं। बिल्कुल ऐसी ही दाल चाहिए हमें, जैसे नॉर्मली घुटी हुई दाल बनती है ना, वैसी तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो अब क्या करना है, दाल का पानी हमें तुरंत अलग कर देना है, और जब पानी सूख जाए दाल का तो इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र करें। साथ ही साथ कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स, जैसे ये 1 कटोरी हरी मटर जिसे 5 मिनट के लिए बॉयल किया था, साथ में ये 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें इसमें ऐड करेंगे, और इसके बाद इसमें जाएगा ये अमचूर पाउडर खटास के लिए 1 चम्मच, और इसके बाद मैंने आधी चम्मच भुना हुआ कीटा हुआ जीरा इसमें डाल रहा हूँ, और इसके बाद इसे स्पाइसी बनाने के लिए लाल मिर्च पाउडर तो इसमें डालना ज़रूरी है। स्पाइसी रखेंगे मसाले को हम, फिलिंग को। इसके बाद इसमें स्वादानुसार नमक डाल देते हैं। नमक के बाद इसमें जाएगा अदरक जिसे मैंने कूट लिया था, और वो डाल रहा हूँ इसमें। और अब मैं इसमें पनीर डालूंगा। पनीर कैसे डालना है, पनीर को हमें ग्रेट करके डालना है। तो जो ग्रेटर की सबसे मोटी वाली साइड होती है ना, उस तरफ से हमें इसे ग्रेट करना है। पनीर ऑप्शनल तो नहीं है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हो, लेकिन पनीर से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। पनीर को एक बार फटाफट से ग्रेट करते हैं। ऑलमोस्ट सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं आलू टिक्की के फिलिंग के वो हो गए हैं, बस एक चीज़ रह गई थी, ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया, तो वो भी यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है आपस में, और जो हमारी आलू टिक्की की फिलिंग है वो बढ़िया एकदम रेडी हो जाएगी। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद ये जो हमारे आलू टिक्की की फिलिंग है बनके बिल्कुल तैयार है। इस पॉइंट पे आप टेस्ट करके चेक कर सकते हो, किसी चीज़ की कमी है तो वो ऐड कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इस रेसिपी का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है टिक्की को क्रिस्पी करने का। टिक्की को क्रिस्पी कैसे करना है, पोहे से होगी टिक्की बहुत अच्छी क्रिस्पी। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कटोरी पोहा लिया है, एक छलनी में ले रहा हूँ, नीचे उसके बर्तन लगाया है। इसको हमें भिगोना है, पानी में भिगो के नहीं रखना है, बस ऊपर से हल्का गीला करना है, और जो एक्सेस पानी है छलनी के थ्रू नीचे बर्तन में निकल जाएगा। अब इसे साइड में रख देंगे 5 मिनट के लिए, तो जो पोहा है वो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, सॉफ्ट हो जाएगा हमारा पोहा। तब तक यहाँ पर मैंने बॉयल्ड आलू लिए हैं, 8 बॉयल्ड आलू हैं मीडियम साइज़ के। इनको मैं ग्रेट कर लूँगा, वही मोटी वाली साइड से ग्रेटर की ग्रेट कर लेते हैं। ध्यान ये रखना है जब आप टिक्की बना रहे हो तो ये जो आलू हैं इनको 2-3 घंटे पहले ही आप बॉयल करके रख लो, ताकि जो मॉइस्चर है वो रिड्यूस हो जाए, पानी नहीं रहे आलूओं में। तो ये जो आलू हैं मैंने इन्हें 2 घंटे पहले बॉयल करके रखा था। इन्हें फटाफट से ग्रेट करने के बाद आगे के स्टेप पे चलते हैं। फिर हमारे आलू हो गए हैं ग्रेट और पोहा हो गया है सॉफ्ट। पोहे को आलू में मिला देना है। तो ये जो पोहा है ना, इससे आलू टिक्की काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। मैंने 2-3 चीज़ों से और एक्सपेरिमेंट करके ट्राई करके देख रखा है, लेकिन जो पोहे से बात आती है ना, वो बाकियों से बात नहीं आ पाती। पोहे के साथ साथ मैं एक और चीज़ मिलाऊंगा इसमें, चावल का आटा मिलाऊंगा। 4 चम्मच यहाँ पर मैंने चावल का आटा लिया है, इससे भी टिक्की अच्छी क्रिस्पी बनती है। तो अगर चावल का आटा नहीं है तो चावल लेना है, मिक्सी में डालना है, उसे 2-3 बार घुमाना है, पाउडर बन जाएगा, तो वही है चावल का आटा। चावल का आटा डालने के बाद मैं इसमें स्वादानुसार नमक डालने वाला हूँ, और इन सभी चीज़ों को बस रफली मैश करना है। बहुत ज़्यादा मैश ना कर दें अभी, वो हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी एक बस रफली मैश कर देना है ताकि सारी चीज़ें आलू में मिल जाएं। और मैं आपको क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि मैंने आलू के साथ 3-4 चीज़ें मिलाकर देखी थी कि टिक्की किससे ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। एक तो पोहा हो गया, चावल का आटा हो गया, ब्रेड क्रम्स हो गया, कॉर्नफ्लावर हो गया, और एक नॉर्मल आलू।
तो इन सभी की अलग अलग टिक्की बनाई थी और जो बेस्ट रिजल्ट मिला था वो पोहे से मिला था और फिर चावल के आटे से। तो ये जो ग्रेट किए हुए आलू थे इसे रफली मैश कर लिया है पोहे के साथ और चावल के आटे के साथ। अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे रेस्ट करने के लिए लगभग 15 से 20 मिनट के लिए, या फिर आप नॉर्मली बाहर भी ऐसे ही रख सकते हो। इससे क्या होगा, जो पोहा है वो आलू का एक्सेस मॉइस्चर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, जो भी एक्सेस पानी है आलू में वो एब्जॉर्ब कर लेगा और जो टिक्की है वो भी ऑयली नहीं बनेगी ये स्टेप फॉलो करने से। अब इसे मैं जैसे डो लगाते हैं वैसे इसे मैश कर रहा हूँ वापस से, और ये हमारा जो आलू का मसाला है वो भी तैयार हो चुका है। अब फटाफट से इसके टिक्की बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं हाथों में ऑयल लगा रहा हूँ, इससे आलू चिपकेंगे नहीं हाथ में, और अब इसकी फटाफट से हम टिक्की बना लेते हैं। जैसे मार्केट में बड़े साइज़ की टिक्की मिलती है ना, बिल्कुल वैसे ही मैं बड़े बड़े साइज़ की टिक्की बना रहा हूँ। और जो हमने टिक्की के लिए फिलिंग बनाई थी वो भी मैं इसके बीच में भरूंगा, 1.5 से 2 चम्मच मैं इसकी स्टफिंग करूँगा उस मसाले से, और फिर इसे अच्छे से कवर करके एक इसे राउंड शेप देकर टिक्की का शेप दे दूंगा। तो हमें सारी टिक्कियाँ ऐसे ही फटाफट से बना लेनी है। बस ध्यान ये रखना है कि जो अंदर हमने फिलिंग भरी है वो बस अच्छे से कवर हो जाए, बाहर ना निकले। तो सारी टिक्कियाँ बना लेते हैं फटाफट और फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पर मैंने सारी टिक्कियां बना ली हैं, बढ़िया शेप दे दिया है, अंदर स्टफिंग भी अच्छे से कर दी है। अब चलते हैं इनको सेकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, आप चाहें तो तवे पे भी इनको सेक सकते हो। अब मैं इसमें घी डाल रहा हूँ, ऑयल से भी बना सकते हो वैसे तो कोई इशू नहीं है, बट घी से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। घी जब हल्का सा गर्म हो जाए, इसमें टिक्की रखनी है हमें, जितना बड़ा आपका तवा हो या फिर जितना बड़ा पैन हो उसके हिसाब से 4-5 टिक्की रख दें, और दोनों तरफ से इसको पलट पलट के हमें सेकना है जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो ये जो हमारी टिक्की हैं दोनों तरफ से बढ़िया सिक चुकी हैं, क्या अच्छा कलर आया इनका, एकदम गोल्डन ब्राउन कलर, काफ़ी बढ़िया लग रही हैं और क्रिस्पी भी बहुत ज़्यादा हैं ये। तो मैं पलट के आपको दिखा देता हूँ दूसरी तरफ से भी इनका कलर कितना अच्छा आया हुआ है। और ये जो टिक्की हैं बनकर फिलहाल तो बिल्कुल रेडी हैं, आप इनको निकाल कर अभी के अभी सर्व करके खा सकते हो। बस ध्यान इन बातों का रखना है कि जब हम टिक्की सेक रहे हैं उस समय गैस को हमें बहुत हाई फ्लेम पे नहीं रखना, नहीं तो टिक्की जल जाएगी। मीडियम फ्लेम से लो फ्लेम के बीच में आप स्विच करते रहें और पलट पलट के इनको सेकते रहें। तो ये आप देख ही सकते हो कलर कितना प्यारा आया है इसका, काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं इसमें 2 टिक्की वापस से लेने वाला हूँ और ऊपर से ज़रा सा इसे प्रेस करूँगा और इसे क्रिस्पी बनाने वाला हूँ। ध्यान रखना है कि अंदर की जो स्टफिंग है वो ना निकल आए, इसलिए ज़्यादा ज़ोर से प्रेस ना करें। इसे सेकते हैं 1 से 2 मिनट के लिए दोनों तरफ से और क्रिस्पी बनाते हैं, और फिर मैं इसकी आलू टिक्की चाट बनाने वाला हूँ। ज़रा सा इसको दही डालूंगा ऊपर से और फिर कुछ मसाले डालूंगा, नमक, भुना हुआ कुटा हुआ जीरा, लाल मिर्च और 2 अलग अलग चटनी डालूंगा, इमली की और हरी चटनी जो घर पे बनती है धनिया और हरी मिर्च से, वो दोनों चटनी डालूंगा और बस हमारी आलू टिक्की चाट भी तैयार हो जाएगी। Oh yeah.
time you hold me, take me higher. हमारी आलू टिक्की चाट भी तैयार हो गई है। मेरे मुंह में तो बनाते बनाते ही पानी आ रहा था, आपके मुंह में भी आ रहा होगा। अब जब मैंने आलू टिक्की बनाई है तो साथ ही साथ मैं बर्गर बना लेता हूँ देसी स्टाइल में, एकदम बन टिक्की। ज़्यादा तामझाम नहीं करेंगे, तो सेम पैन में जिसमें टिक्की सेकी है उसी में बन सेक लेते हैं। ये बर्गर बन घर में ही पड़े थे इसलिए मैं बर्गर भी बना लेता हूँ लगे हाथ। तो पहले तो ये बन को थोड़ा सा सेक लेते हैं, थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेते हैं। फिर एक बन में लगाएंगे टमेटो केचप, दूसरे में लगाएंगे इमली की चटनी, थोड़ा सा चटपटा बर्गर बनाएंगे, और फिर ऊपर से रखेंगे टिक्की जो आलू टिक्की बनाई है वो, ऊपर से एक टमाटर की स्लाइस, प्याज की स्लाइस, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मेयोनीज और एक चीज़ स्लाइस। ले, बन गया बर्गर। हमारी ये आलू टिक्की बनकर बिल्कुल तैयार है, देखने में लग रही है ना कितनी बढ़िया। और साथ ही साथ ये बर्गर देसी स्टाइल में इतनी जल्दी बनकर तैयार हो गया, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और उसके साथ ये आलू टिक्की चाट, तीनों ही चीज़ें बहुत ही बढ़िया बनी है। आलू टिक्की वाले भैया जो बनाते हैं ना, ये बिल्कुल वैसी बनी, एकदम स्पाइसी, चटपटी और क्रिस्पी। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।